भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा नागपुर महानगर की ओर से गांधी सागर तालाब स्थित शिक्षक सहकारी बैंक सभागृह में ओबीसी महामेलावे का शानदार आयोजन किया गया। इस मौके पर नागपुर के तमाम ओबीसी पदाधिकारी, कार्यकर्ता और नागरिक बड़ी संख्या में मौजूद थे। ओबीसी महामेलावे को लेकर पेश है हमारे संवाददाता संजय मीरे की ग्राउंड रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा नागपुर महानगर की ओर से ओबीसी महामेलावे का शानदार आयोजन गांधी सागर स्थित शिक्षक सहकारी बैंक सभागृह में किया गया। इस मौके पर नागपुर के तमाम ओबीसी पदाधिकारी, कार्यकर्ता और नागरिक बड़ी संख्या में मौजूद थे। ओबीसी महामेलावा कार्यक्रम की शुरुआत महानुभाव के हाथों दीप प्रज्वलन कर की गई। मंच पर विराजमान महानुभाव का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया गया। इस मौके पर मंच पर मौजूद महानुभाव ने ओबीसी समाज में जागृति की जरूरत होने की बात कही। इस मौके पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर, इन्होंने कहा कि मोदी सरकार द्वारा जनहित योजनाओं का लाभ समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाया जा रहा है। तो वहीं पूर्व पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि फडणवीस सरकार ने ओबीसी समाज को 27% आरक्षण दिया था, लेकिन ओबीसी के राजकीय आरक्षण को अधर में लटकाने का पाप महाविकास आघाड़ी सरकार ने किया है। इस मौके पर मोर्चे के अध्यक्ष रमेश चोपड़े, इन्होंने बीसीएन समक्ष जानकारी दी। आइए देखते हैं। बाइट प्लस पीटीसी मीरे। सर्वात महत्त्वाचा ओबीसी बद्दलचा जो निर्णय काँग्रेसच्या राज्यात कधीच झाला नाही, व्हीपी सिंग सरकारने मंडळात लागू केला, ओबीसींना काही प्रमाणात त्या ठिकाणी यशही आलं, पण मंडल आयोग लागू केल्यानंतर ओबीसी आयोगाचा ओबीसी जे मंडळ तयार केलं देशाच्या पातळीवर त्याला संवैधानिक दर्जा कधीही मिळाला नव्हता। भारतीय जनता पार्टी केंद्र में पिछले 8 वर्ष से सत्ता पे है और इसी के चलते हुए आज 8 वर्ष पूर्ण हुए उन्हें, तो सेवा, सुशासन और गरीबों के लिए कल्याण, इस विषय को लेकर भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा नागपुर शहर की ओर से इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। इस कार्यक्रम में सभी मंडलों के, नागपुर शहर के 6 ही मंडलों के कार्यकर्ता, नागरिकगण बड़े पैमाने में उपस्थित होने वाले हैं और इस माध्यम से हमारे यहाँ पर नेता हंसराज अहीर, हमारे चंद्रशेखर जी बावनकुड़े, हमारे संगठन के डॉक्टर उपेंद्र जी कोटेकर, नागपुर शहर के अध्यक्ष प्रवीण जी दटके, ये यहाँ पर उपस्थित होने वाले हैं, हो गए हैं। और हम ये इस माध्यम से हमारा जो संकल्प है जो 8 साल में हमने पूरा किया है, अंत्योदय के पंडित दीनदयाल उपाध्याय, इनके अंत्योदय के जो उनकी ये थी, तो उस अंत्योदय को हमने पूरा करने का माननीय नरेंद्र जी मोदी ने प्रयास किया है। हमारे नितिन जी गडकरी ने जो काम किए हैं पूरे भारत भर, तो निश्चित रूप से एक जो वाहतूक बोलेंगे उसको ट्रांसपोर्ट बोलेंगे, और रोड की जो क्वालिटी हुई है, जिस तरीके से काम हुआ है, वही यहाँ पर हम दर्शकों, अपने हमारे नागरिकों को और हमारे कार्यकर्ताओं को इस माध्यम से बताकर समाज में इसका इसकी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए इस मेलावे का आयोजन किया गया है। तो बिल्कुल, आप थे रमेश चोपड़े जिन्होंने बखूबरी पेपर के साथ बात करते हुए बताया कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा नागपुर शहर की ओर से ये जो ओबीसी का महामेलावा आयोजित किया गया, इसके पीछे का उद्देश्य क्या है कि ओबीसी के तमाम लोगों को एक मंच पर लाना, उन्हें न्याय दिलाना, और ये इसी के चलते आज यहाँ भव्य महामेलावा का आयोजन सम्पन्न हुआ है। शिक्षक सहकारी बैंक सभागृह से कैमरा पर्सन सुभाष भुटले के साथ संजय मीरे, बीसीएन न्यूज़ नागपुर।